नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष सागर और आज बात करते हैं बांदा जनपद के ग्राम पंचायत मरौली के बारे में। मरौली ग्राम पंचायत में पिछले 15 साल से ग्राम प्रधानी चला रहे रमेश चंद साहू और उनके भाई राजेश साहू, जो पेशे से अध्यापक हैं, वहीं रमेश चंद साहू ठेकेदारी का काम करते हैं। रमेश चंद साहू ने पिछले 15 साल से प्रधानी में जो मरौली में किया है वो तो ठीक ही है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4,48,00,000 रुपए का जो बंदरबांट हुआ है और जो उसकी अनुरक्षण राशि है, जो उसकी मियाद 2022 तक है, उसमें 17,00,776 रुपए करीबन जो है जिस तरह का बंदरबांट किया जा रहा है वो हमने पिछले दिन आपको 29 अगस्त को वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया था। इधर रामफल जो वहाँ का रहने वाला है और मदन गोपाल यादव का जो बड़ा बेटा है, उसी के छोटे भाई कल्याण यादव को मोहरा बना करके रमेश चंद साहू, राजेश साहू और मोतीलाल निषाद इस परिवार के खिलाफ फर्जी तरीके से DIG, DM और तमाम आला अधिकारियों को पत्राचार करा रहे हैं, शिकायती पत्र दिला रहे हैं। तब जबकि रामफल यादव और जो संतोष यादव, जिनके खिलाफ विकास दुबे के होने के एलिगेशन लगाए गए हैं, उन्होंने जाकर के ग्राम पंचायत के में जो बंदरबांट हुआ है, जो भ्रष्टाचार के काम हुए हैं और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर के, और जो राजेश साहू और रमेश चंद साहू के द्वारा खनन के मामलों में किसानों से 125 एग्रीमेंट फर्जी तरीके से कराए गए हैं जो सदर रजिस्ट्रार के यहाँ से हुए हैं, उसमें कोई GST नंबर नहीं लगा है, कोई फर्म का नंबर नहीं लगा है और वो एग्रीमेंट कराए गए हैं। मसला ये है कि इस पूरी लड़ाई के पीछे का अगर सच देखेंगे तो सच है बालू का खनन। राजेश साहू और रमेश चंद साहू ने जो एग्रीमेंट कराए हैं उसमें ना तो कोई दस्तावेज लीगल तरीके से लगाया गया है, ऊपर से GST चोरी किया गया है और एक गुमराह करके सदर रजिस्ट्रार के यहाँ से वो एग्रीमेंट करा लिए गए हैं 5 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए। वहीं संतोष यादव की तरफ से जो एग्रीमेंट कराए गए हैं उसमें खदान संचालक का सहमत पत्र लगा है, GST फर्म नंबर लगा है, इसके बाद में एग्रीमेंट हुए हैं। बड़ी बात है कि कल्याण यादव को मोहरा बना करके राजेश साहू और रमेश चंद साहू रामफल यादव के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। हाल तो यह है कि कल्याण यादव ने अभी रक्षाबंधन में पूरा बंटवारा कराया, खुद पंचों को बुलाया और पूरी संपत्ति को बांट लिया। वहीं पे सूरत में जो रामफल यादव ने अपने मेहनत कष्ट और मजदूरी के बल पर संपत्ति जुटाई थी, कल्याण यादव का दावा है कि उसमें भी उसको संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि वो रामफल यादव के खून पसीने की कमाई है। उसमें मदन गोपाल यादव यानी कि रामफल यादव और कल्याण यादव के पिता का कोई हिस्सा नहीं लगता है। रामफल यादव के हिस्से में जो एक कच्चा घर और ट्रैक्टर आया है उसकी खुन्नस में रमेश चंद साहू और राजेश साहू की गोद में बैठा है कल्याण यादव और पूरी तरह से इस खूनी खेल को बदलने में लगा हुआ है कुछ बांदा के तथाकथित पत्रकारों की सह पर, जिनका मीडिया पॉइंट हाउस राजेश साहू और रमेश चंद साहू के बिजली खड़ा आवास में खुला हुआ है। ये लोग स्वतंत्र हित नाम के पेपर में न जाने किस तरह की बातें लिख करके बिना सत्यता को परखे एक अफवाह और एक र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं ताकि पूरा परिवार रामफल यादव का अवसाद में चला जाए, उसकी माताजी अवसाद में चले जाएं, उसके चाचा अवसाद में चले जाएं और विकास दुबे से जोड़ करके उस पूरे एक ड्रामे को प्रपंच की तरह रखा जाए। अभी बीते 22 अगस्त को विकास दुबे ने जिस BJP नेता का मर्डर किया था संतोष शुक्ला, 22 अगस्त को मरौली में संतोष शुक्ला के छोटे भाई राकेश शुक्ला और उनके साले जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं आबकारी राम नरेश अग्नोत्री, उनके प्यारो खुद 22 अगस्त को मरौली में मौजूद थे। सवाल ये है कि अगर संतोष यादव विकास दुबे है तो राकेश शुक्ला जो संतोष शुक्ला के भाई है वो ग्राम मरौली में 22 अगस्त को क्या कर रहे थे, क्यों उन्होंने संतोष यादव के यहाँ बैठ करके बाटी चोखा भरता भोजन किया, सारे गांव वालों को बताया कि हम संतोष यादव के साथ में हैं, ये जो शिकायतें की जा रही हैं फर्जी हैं, इसके पीछे संतोष यादव का कोई लेना देना नहीं है। जो भी पुराने मुकदमे संतोष यादव के ऊपर हुए थे उन पे सारों पे क्लोजिंग रिपोर्ट लग चुकी है। केवल मटौन थाने में एक मारपीट का मसला है जो पूरी तरह से कोर्ट से निपट चुका है। इसके बावजूद कुछ पत्रकार जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्टें करके उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, वहीं रामफल यादव के परिवार को तहस नहस करने में लगे हैं कल्याण यादव को मोहरा बना करके। कहना गलत नहीं कि कल्याण यादव को अगर कलयुगी कल्याण यादव कहा जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। आइए देखते हैं कल्याण यादव ने DM से लेकर के आला अधिकारियों के समक्ष में जो पत्राचार किया है उसकी काली सच्चाई क्या है और कैसे वो पूरे परिवार को, जो उसका खुद का परिवार है, उसका रक्त बीज बन करके खुद ही बर्बाद करने पे तुला हुआ है। सर, मेरा कल्याण सिंह यादव। कहाँ से आए आप? ग्राम मरौली, पोस्ट असौर, जिला बांदा, थाना मटौन। किस समस्या लेकर आप लोग DM के यहाँ पर आए? सर, समस्या ये है, सर मेरा बड़ा भाई प्लस पिताजी जो है
मेरी 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद साहब मैं एक साल पहले साहब हमको मारपीट के दोनों को मुझे पत्नी के दोनों को भगा दिया था साहब, वो तो मायके में रहती थी साहब, मैं बाहर चला गया था। इसके बाद जब सर मैं गांव आया तो अपना उनसे हिस्सा मांग, उन्हें हिस्सा देने से इनकार कर दिए साहब। सूरत में एक मकान है, दो प्लाट हैं और एक गाड़ी भी है और सर इतना वहाँ गाँव में ट्रैक्टर है, गाँव में ज़मीन है, जहाँ सब कुछ है सर, मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं सर। जो मैं इसके बारे में साहब ये समझ लीजिए 15 दिन से साहब मैं गांव से बाहर हूँ साहब, गांव नहीं जा पा रहा हूँ, जाता हूँ तो मुझे मारते पीटते हैं साहब। ये एक संतोष यादव हिस्ट्री शीटर है जो पहले का दमंग, आज से 20-15 साल से कम से कम बदमाशी कर रहा है साहब, उसके बाद मुकदमे चलते हैं। उसने सर जो है हमारे घर वालों को भड़का रखा है। इसके बाद सर इसने क्या किया सर, आज से 1 साल पहले साहब ये संतोष यादव ने क्या किया था सर, अपनी एक इनकी भाई की भतीजी नीशु कुमारी पुत्री राजा भैया ये साहब भग गई थी, कानपुर में पकड़ी गई साहब, वहाँ से लेकर के आए थे साहब झलोखर के एक लड़का था साहब, इनका रिश्तेदार वो ले गया था सब। जब वहाँ से जब ये लोग लेकर के आए गांव में साहब अपने घर में वो खाना खा रही थी, खाना खाते ही वक्त अपना संतोष यादव अपने पूरे परिवार सहित सभी के सामने नजायज अपनी राइफल से उसकी गोली मारी। गोली मारने के बाद हाथ पैर काट करके उन्होंने नदी में बहा दिया। सर मैं और ये भैया दोनों लोग हार से आ रहे थे, हार से आने के बाद जैसे ही दरवाजे के पास आए तो साहब एक फायर हुई, जैसे फायर हुई साहब जैसे मैं जो वहाँ पे अंदर को हम लोग देखा तो साहब वो लड़की तड़प रही थी, जब तड़प रही थी साहब तो ये लोग कूलर लेके खड़े थे, राइफल भी नहीं हाथ में थी साहब, हमने देखा तब वहाँ से भागा था डर के मारे। इसके बाद साहब ने मैंने एक दो चार जगह चीज़ फैला दिया, इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दिया, तुमने हमारी लड़की की हत्या के बारे में फैलाया है, माचोट कहीं भी बोलो कुछ कहोगे ना सर एक तेरे को जान से मार डालेंगे। भैया को भी धमकी दी, हमको भी धमकी दी। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं ये चाहता हूँ जो ये नीशु की हत्या है साहब, इसमें जो है सत्य सत्य का साहब मुझे न्याय चाहिए। आज कहाँ पे आए हैं? सर मैं डीएम साहब के पास आया हूँ। मेरा नाम मोतीलाल। कहाँ से आए आप? मैं मरौली। आज कहाँ पे आए हैं? थाने। कौन थाना? मटौन था। किस समस्याओं को लेकर आप आए? हम ग्राम मरौली विकास खंड रोकड़ थाना मटौन से ग्राम प्रधान और मेरे साथ नाजायज हो रहा है ये रजौली पुत्र मदन गोपाल और मनोज कुमार मनोज पुत्र जयकरण, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन्होंने ईंटा भरवा लिया एक ट्रैक्टर और ईंटा भरवाने के बाद मेरे कहने पर ये लोग मेरे घर आए, चौकीदार से इन्होंने मुझको बुलवाया, मैं इनके बुलवाने से वहाँ गया तो मेरे साथ बीती की और मुझको धमकी दिया, मेरे छाती में तमंचा लगा दिया और कह रहे हैं कि 50,000 रुपया दोगे केवल तब हम तुम्हारी ये प्रधानी चला देंगे, तब प्रधानी के बाद बोलो आ और 10,000 रुपये भी मेरी वहाँ के लिए गए। क्या चाहते हो तुम? मैं इसका न्याय चाहता हूँ, मेरे साथ नाजायज हुआ। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल। एक खरंजा बना है आपके गांव में, उसको मैं देख करके आया हूँ, गुलबदन है ना, गुलबदन के घर से शिव सहाय के घर तक करीबन वो 400 मीटर का खरंजा है। ठीक है, 400 होगा तो वो कौन पूरा है बन पावर? नहीं नहीं, बस पहले बात तो उसमें बालू आना है, पहले बात सुनेंगे पूरी, पहले प्रश्न सुनिए फिर उत्तर दीजिएगा। ये पूछ रहा हूँ कि उस खरंजे के नीचे मिट्टी केवल पड़ी गई है, बालू नहीं पड़ी है और चीनी नहीं पड़ी है? मिट्टी बालू का वही नहीं बना था पहले? पहले क्यों नहीं था? नहीं था, जय ने नहीं बनाया। अच्छा, हाँ तब हमने इसको रुकवा दिया जब लोग बात करने लगे। नहीं नहीं, जब एक पहले सुनिए, जब आपको ये पता था कि इसके नीचे बालू का नहीं है तो वो ईंटा वहाँ नहीं बिछवाना चाहिए था आपको? अरे जब अब बता दें इनकी मिट्टी से हो जाएगा लाग बरसा, हाँ बरसा में वो खराब होगा। अच्छा, कितने दिन हुआ बना हुआ? मंगा करके हम वो दुरुस्त कराएंगे। कितने दिन हुआ बना हुआ? हुईगा 15-20 दिन का। अच्छा, पहले मतलब आपने उसको ईंटे को बिछवा दिया, अब आप उस ईंटे को खड़वाएंगे फिर आप उसको बालू डलवाएंगे, उसको उचना करके और बालू से उसको डलवाएंगे। तो आपको ये जानकारी पहले नहीं थी कि ये जो है हम गलत बनवा रहे हैं? जानकारी जब जई ने उसमें एस्टीमेट माटी का किया तो हम क्या करें। प्रस्ताव आपने पास कराया था कि जई ने पास कराया था? मैंने पास कराया था। तो आपको ये नहीं पता था खरंजा ये नहीं पता खरंजा कैसे बनता है? ये तो पता था ना? पता है महाराज,
अब बस कुछ बताऊँ करा मैं बता दी हूँ। चलिए ठीक है।